हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, सपोज पॉलिनोमियल इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, तुम 0 की x की वैल्यू 0 पुट करो, फिर देखो इसकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैं x की जगह 0 रखती हूँ, 5 × 0 माइनस 4, x की जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 4 को 0 प्लस 3, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे तुम्हारे x इज इक्वल टू 0 पर तुम्हारा आंसर 3 आ रहा है। अब आ जाओ x इज इक्वल टू माइनस 1 पर, क्या करना है, सिंपल, तुम्हें x की जगह माइनस 1 पुट कर दो। ठीक है, तो माइनस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा माइनस 5। अब देखो, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर जब भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर इवन नंबर होता है, जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव हमेशा प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसको प्लस 1 कर देती हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर है तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पे 2 पे रख के देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 10, 2 × 4 × 4, 4 × 4 = 16 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब तुम आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तुम्हें इसके डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली हैं पी 0 पे, मतलब जब मैं वाई की वैल्यू 0 रखती हूँ तो क्या होता है, तो मैं वाई की जगह 0 रख दूंगी, 0 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 रखो प्लस 1, 0 माइनस 0 0, तो इसका आंसर सिंपल नॉर्मल 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब तुमको निकालनी है पी एट 1। ठीक है, जब इसका वाई की वैल्यू जब 1 होगी तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा तुम्हारे पास, सिंपल 1 ही बच जाएगा। अब तुम निकालो पी एट 2, वाई की वैल्यू जब तुम 2 रखोगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 × 2 = 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो आपका ये तीनों के देखो आंसर्स आ गए पी एट 0, 1 और 2। ठीक है, अब तुम आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में यू हैव फंक्शन पी टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। इसका मतलब क्या है, तुम्हें इस ये जो पॉलिनोमियल है वाई की वैल्यू 0 रख के देखो क्या आंसर आ रहा है। तो देखो टी की वैल्यू 2 0 पुट करो, तो फिर टी की जगह 0 प्लस 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इंटू 2 ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 2। अब टी की जगह 1 पुट करो, है ना, तो ये हो जाएगा 2 + 1 t × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस 2 × 1 = 2 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब t की जगह 2 पुट करो, तो 2 + t 2 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 × 4 = 2 = 8 माइनस 8, 2 का क्यूब 8, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, विल बी लेफ्ट विथ 4, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। देखो बेटा, यहाँ पे पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, तुम्हें वैल्यू निकालनी है x जब 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो मैं 0 पे निकालती हूँ, 0 का क्यूब हो जाएगा 0, 1 पे निकालो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 पे निकालो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। सिंपल, आसान है। अब तुम आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पे तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है बेटा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 × x + 1। ठीक है,
जीरो पे निकालो ज़रा सा, तो ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन, तो माइनस वन इंटू प्लस वन हो जाएगा माइनस वन। ठीक, अब निकालो वन पर, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, वन प्लस वन, ये ज़ीरो, ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो। ठीक है, टू पे निकालो, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास थ्री। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर थ्री पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री में ये कह रहे हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर जी, द फॉलोइंग आर द जीरोज और नॉट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो पॉलिनोमियल है फर्स्ट पार्ट में, दिस इज थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर इसका x इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, इसका एक ज़ीरो होगा, ज़ीरो मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तुम्हारी सिंपल ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको हम टेस्ट करते, तो मैं x की जगह माइनस वन बाय थ्री रखूँगी, ख्याल रखना कि नेगेटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। अच्छा चलो अभी नहीं कैंसिल करते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो देखो थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री प्लस वन है, तो मैं कुछ नहीं है, दैट मीन्स नीचे वन है। ठीक है, तो सिंपल गया, तो तुम इसे कैंसिल आउट कर दो। बहुत सारे बच्चों को कैंसिलेशन समझ में नहीं आता, तो देखो थ्री वन ज़ा थ्री और नेगेटिव साइन लग जाएगा, थ्री वन ज़ा थ्री। अब तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा तुम्हारा ज़ीरो। दैट मीन्स येस, दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। इस पर अगर आंसर ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका एक ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं क्या ये इसका ज़ीरो है, तो कोई नहीं, हम चेक कर लेते। x की जगह 4/5 रख लो, माइनस पाई। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 4 माइनस पाई, इसकी वैल्यू तो देखो ज़ीरो नहीं है, है ना। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि तुम 22/7 रखो या 3.14 रखो। ठीक, इसको यहीं छोड़ दो कि नहीं, दिस इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री के थर्ड पार्ट में ही कह रहे हैं ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन, तुम्हें एक्स इज इक्वल टू वन और टू माइनस वन पे चेक करना है क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं। सिंपल, एक्स की जगह वन रख के देखते हैं, वन का स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक, दैट मीन्स ये तो इसका एक ज़ीरो हो गया। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे चेक करो, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही आएगा। ठीक है, अगेन दिस इज ज़ीरो। ठीक है, दैट मीन्स येस, दीज आर द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो बेटा, यहाँ पे पॉलिनोमियल है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, माइनस वन और टू पे चेक करना है। ठीक है, एक्स की जगह माइनस वन रखो, माइनस वन प्लस वन, अगेन माइनस वन माइनस टू, ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू एनी नंबर है ज़ीरो, ये तो इसका एक ज़ीरो आ गया। ठीक है, टू पे चेक करो, तो एक्स की जगह टू रखो, टू प्लस वन, अगेन टू माइनस टू, ये तुम्हारा यहाँ पर जीरो, टू माइनस टू इज़ ज़ीरो, है ना। जैसे यहाँ पे ये ज़ीरो, तो वैसे ये ज़ीरो के, दैट मीन्स थ्री इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो, है ना। इसका मतलब अगेन दीज आर द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब तुम्हें चेक करना है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, ये भी तुम्हारा आसानी है। ठीक, बहुत ईजी एक्सरसाइज है बेटा। चलो पी एक्स को चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर, कोई नहीं, हम ज़ीरो की वैल्यू रख के देखते हैं, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। अब तुम इसके सिक्स पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू एल इंटू एक्स प्लस एम, चेक करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पर। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू रखो तो माइनस एम अपॉन एल, ठीक, एल माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो कैसे कर सकते हो तुम, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस एम इंटू एल, जिनको कैंसिलेशन ऐसे समझ में नहीं आता, एल वन ज़ार एल प्लस एम। अब तो तुम ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हो एल से एल। ठीक है, तो ये माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स येस, दिस इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब आ जाओ इसके सेवन पार्ट पर। देखो बेटा, अब मैं यहाँ पर फंक्शन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, पहले माइनस वन अपॉन रूट थ्री पे देखती हूँ उसकी वैल्यू, है ना, तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, क्या को का यहाँ पर, ये देखो थ्री
माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन अपॉन, अगर मैं रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री इंटू वन अपॉन रूट थ्री करती हूँ तो क्या होगा, वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही होता है सिंपल। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, थ्री बचेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, और देखो ऊपर माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन, तो वन अपॉन थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस वन है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये वाला माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया, इसका एक ज़ीरो हो गया, ठीक। अब ये वाला चेक करते हैं क्या ये है या नहीं है। तो टू एक्स की जगह रखो, टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर बेटा क्या होगा, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू फोर अपॉन थ्री, इससे ये कैंसिल, माइनस वन, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस वन इज थ्री, दैट मीन्स ये तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री तो इसका ज़ीरो है, लेकिन टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट द ज़ीरो, ये इसका एक ज़ीरो नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके एट पार्ट पर। देखो बेटा यहाँ पर एट पार्ट में तुम कह रहे हैं पॉलिनोमियल टू एक्स प्लस वन हाफ पे देखनी है वैल्यू, तो मैं एक्स की जगह हाफ रख देती हूँ, प्लस वन, ठीक है, टू से टू कैंसिल, वन प्लस वन इज टू, दैट मीन्स नो दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है तुम्हारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, इसका जीरो कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का तो मैं जीरो का मतलब सॉल्यूशन होता है कि एक्स की किस वैल्यू पर ये तुम्हारा जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, तो यही तुम्हारा सिंपल दिस विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलो सेकेंड पार्ट पर आ जाओ, हियर यू हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, क्या करना है तुम्हें इसका जीरो निकालने के लिए, मुझे बस इसको जीरो के इक्वल करना है, ठीक है। फाइव इधर लाओ माइनस फाइव तो कितना हो जाएगा, प्लस फाइव, सिंपल दिस विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, हियर वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, क्या करोगे इसके जीरो के इक्वल पुट कर दो, माइनस फाइव इधर जाए, प्लस फाइव इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस फाइव, टू देखो मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ आके हो जाएगा ये डिविजन में, तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी माइनस फाइव बाय टू, ठीक है। देखो बेटा फोर्थ पार्ट में हियर यू हैव थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू, इसको जीरो के इक्वल करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, थ्री मल्टीप्लीकेशन में तो ज़ीरो के नीचे डिनोमिनेटर में थ्री ले आते हैं, वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बेटा थ्री जो है अगर ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में होता तब तो ये नीचे आता, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, थ्री जो है सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, सही। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से माइनस टू उठा के वहाँ पर लाऊँगी। अब माइनस टू उठा के अगर मैं इधर लाऊँगी पहले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस टू, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब है थ्री मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री, तो x इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पर। देखो बेटा यहाँ पर है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, इसका तुम्हें जीरो निकालना है, तो मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करती हूँ, ठीक। सिंपल तरीका, तुम x में क्या पुट करो कि यहाँ पे तुम्हारा जीरो आए, तो मैं x में जीरो ही पुट करूँगी, है कि नहीं, लेकिन उसको निकालोगे कैसे, ये थ्री मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ आकर डिवीजन में हो जाएगा, एनी नाम जीरो अपॉन एनी नंबर इज ज़ीरो, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, जीरो आ जाएगी, तब ये देखो ये जो है फिर ही जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, सिंपल। अब तुम आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पर, हियर यू हैव पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, इसके जीरोज निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ आके डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो अपॉन एनी नंबर, ये कह रहे हैं कि ए जो हमारा देखो जीरो नहीं है, अगर ए जीरो होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, जब भी जीरो
डिनोमिनेटर में तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं है, ये कह रहे हैं ना ए ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स ज़ीरो अपॉन एनी नंबर कितना होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स का सोल्यूशन ज़ीरो क्या आ जाएगा, दैट विल बी ज़ीरो। ठीक, आसान है। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पर। हियर यू हैव पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक, इसको ज़ीरो, इसके ज़ीरोज निकालने, तो मैंने इससे सिंपल ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। सी है खाली एक्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो सी को मत ले आओ अभी उधर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, डी इधर आ जाएगा तो माइनस डी। ठीक है, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, सी मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिविजन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। ठीक, आई होप ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक ज़रूर करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन ऑफ सॉल्यूशंस।